जी चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम एनसीईआरटी बेटा। टिल नाउ आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी है ना, उसी को एक्सटेंड करें अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ही हम एक्सटेंड करें अगर, तो मेरे पास तो है इसी चैप्टर का पार्ट बन जाता है बेटा मेरे पास, दैट इज स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 10th फ्रॉम योर बुक। और बेटा ये ज्योमेट्री का सबसे इजीएस्ट मतलब स्टार्ट ऑफ द ज्योमेट्री कह सकते हैं, सबसे इजीएस्ट टॉपिक जो है हम वो यहां से लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जब भी आपको इवन हम छोटे होते भी सबसे सर्कल से पहले भी हम आपको क्या शुरू करवाते हैं, स्ट्रेट लाइन करवाते हैं, नर्सरी का भी यही पैटर्न है क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट वन। आपने 10th में या 9th में इवन 8th में भी एक पॉइंट को पहले प्लॉट करना सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिर आपने धीरे धीरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बारे में सारा सीखा, फिर आपने जो है पॉइंट सीखा, फिर उसके बाद आपने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सीखा, फिर आपने बेटा सेक्शन फॉर्मूला सीखा कि दो पॉइंट्स को डिवाइड करता अगर एक पॉइंट है तो उसकी रेशियो क्या होगी या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, फिर थ्री पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं यू हैव लर्न दैट। अब हमने बेसिकली क्या करना है, और इवन आपने 10th में दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, जो इक्वेशंस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी फॉर्म में होती थी या प्लस सी इक्वल टू जीरो हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसी इक्वेशन को ड्रॉ करना सीखा ग्राफिकली, और ऐसी दो लाइन आपस में कैसी नेचर अटेन करती हैं, मतलब वो पैरेलल है वो मेरे पास जो है इंटरसेक्ट करती हैं या ओवरलैप करती हैं, ये सारा चीजें आपने 10th लेवल तक सीखा। अब हमने क्या सीखना है, आगे इक्वेशन दी होती थी उसको हम स्टडी करते थे, नाउ वी हैव टू मेक द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, हमने खुद बनानी है, यानी जो भी आंसर है वो ऐसी फॉर्म में लेके आना कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, वो सारा जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कैसी होनी चाहिए, वाई एक्सिस है तो कैसी होनी चाहिए, जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, वो सारा का सारा हम स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। अब बिफोर स्टार्टिंग विद द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन समझने के लिए हमें ना कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है दैट इज स्लोप। अब ये स्लोप क्या है बेसिकली है ना, क्यों हम पढ़ते हैं, ये अगर एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, सपोज मेरे पास दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में, देखो दो एंगल्स बनाते हैं, हमने जब भी एंगल मेजरमेंट करना होता है ना एक बेस लाइन लेके चलते हैं, आपको याद होगा जब आप लोअर क्लासेस में भी कभी भी एंगल बनाते थे आपको सबसे पहले क्या कहा जाता था, एक लाइन बना लो जी, एक रे बना लो या एक लाइन बना लो, कहा जाता था कि उस पर एक पॉइंट फिक्स करते थे और फिर वहां पर आप डी रखते थे और देखो जीरो यहां पर आता था, फिर आगे 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे चलते थे, देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही होता था हमेशा एंगल, एम आई राइट, होता था कि नहीं, यहां एंटी क्लॉकवाइज ही बनवाते थे, सेम ये बेस है, जब हमने ये लाइन कितना एंगल बना रही है वो एंटी क्लॉकवाइज ही, अगर ये क्लॉकवाइज होता तो लाइन को इधर एक्सटेंड करती, यहां पर डी रख के या यहां डी रख के जहां पर भी एंगल देखना है ये मयर करती, दिस इज क्लॉकवाइज, क्योंकि बेस तो यही लेना है ना मैंने, नॉर्मली बच्चों को यही नहीं पता चलता कि मैम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें पता नहीं चलता, इस लाइन का मैं दो तरह से एंगल मयर कर सकती हूँ,
वन इज फ्रॉम दिस साइड एंड वन इज फ्रॉम दिस साइड, मैंने कौन सा लेना है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ आई? और जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज एक्यूट एंगल ही बने, अगर लाइन ऐसे होती सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज है ये क्लॉकवाइज है, वो बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, बट दोनों का सम मिला के हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। ओके, अब मैं बात कर रही थी कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल का अगर मैं टैन ले लूं, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, किसी भी लाइन की, और किसी भी लाइन की स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एम से। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, है ना। बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, टैन ऑफ एन इंक्लिनेशन ऑफ एन एंगल, इंक्लिनेशन मतलब ही क्या, कितना एंगल बना रहे, उसका टैन ले ले। बेसिकली अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं ना, स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये ढलान ही है ना। ये देख, ये जितने आर्किटेक्चर्स है, इवन हमारी लेबर क्लास है ना, उनसे हम बात करते हैं, हम उनको ये नहीं कहते हैं कि आप बताओ इसकी स्लोप कितनी बताओ, आप उनको क्या बोलते हो, ढलान कितनी बनाओ, क्योंकि उनको स्लोप का मीनिंग ही नहीं पता, वो कोई एंगल मेजर नहीं करते, वो अपना एक्सपीरियंस वो ट्रिक लगाते। एक घर पे हमने बाहर एक पाथ बनाना है कि कार अंदर चली जाए, है ना। अब जो पाथ बनाया, ये बाहर की लेडर्स है, ये लेडर्स के ऊपर एक ने स्लोप ऐसे ही बना दी, दूसरा भाई कह रहा है कि नहीं मैम स्लोप ऐसे बना लो मैडम जी, तो जब मैं यहां पर कार लेके जाऊंगी अंदर को पैक, है ना, तो अब मैं बैक लेके जाऊंगी, मेरी जाएगी नहीं पूरी तरह, अट जाएगी, बार बार रुकेगी कार, क्योंकि रिवर्स जो है मेरे पास वो ज्यादा जो है मेरा वर्क नहीं प्रॉपरली करता, है ना। तो इसीलिए बात समझ आई। अब यहां पर स्लोप कम है, वो ढलान बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, स्लोप, बात वही, बात क्लियर होगी। और इसका हमारी रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है, पुल्स बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, सब में। अब जरूरी नहीं है कि स्लोप एक स्ट्रेट लाइन की होती है, आप प्लस टू में करोगे, ये मान लीजिए आपका ना कोई भी ये फ्लाईओवर बना, ऐसे बना, आप इस पे कार ऐसे लेके जा रहे हो, या हिली एरियाज में जाते हो, जब भी आपको ऐसी कर्व पाथ आता है, आपको रेस ज्यादा देनी पड़ती है डिपेंडिंग, क्योंकि यहां पर हम मान के चलते हैं इस पॉइंट पे आके आपको रेस ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ किया, जैसे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करती हो ना, पता है ना, ऐसे ही कर्व पे टेंजेंट। एक्चुअली जो स्लोप होती है ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की होती है, वो कर्व की अपनी नहीं होती। तो इसीलिए यहां पर जब भी हमने स्लोप चेक करनी है, हम क्या करते हैं, वहां एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कोई भी कर्व है, मान लो ऐसी ये कर्व है, इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करके इसकी स्लोप चेक कर लू, ये सारा प्लस टू में पढ़ो। तो मैंने अभी एक जनरलाइज आपको बताया, पहला मेथड बताया कि अगर मुझे उस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मींस एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल पता चल जाए, मैं उसका टैन ऑफ एन एंगल ले लूं, तो वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। पहला फॉर्मूला स्लोप का पता चल गया। फर्स्ट मेथड टू कैलकुलेट द स्लोप इज टैन थीटा, और मैं बार बार कह रही हूं वेयर थीटा जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एंगल ऑफ ए लाइन विद एक्स एक्सिस बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट मेथड। सेकंड, हर बार जरूरी थोड़ा मैं पहाड़ी इलाके में जाके, है ना, हिली एरिया में जाके हाउ आई विल कैलकुलेट एंगल, मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं फिर मैं एंगल, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। तो उसके लिए सेकंड मेथड, अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट्स पता है, मैं स्ट्रेट लाइन अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ही ड्रॉ करूं, सपोज ये पता,
यहां दो पॉइंट्स बताए, वन पॉइंट इज एक्स वन वाई वन, अदर पॉइंट इज एक्स टू वाई टू, ओके पी एंड लेट इट बी क्यू। अगर मुझे इस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है तो बेटा मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ओके। वो पता कैसे बनता है, अगर ये थीटा है, मैं इसकी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पूरा ड्रॉ कर लूं ऐसे, ये भी थीटा होगा, होगा ना, है ना, बिल्कुल, ये 90 डिग्री, तो उसे मैं अपने आप वैल्यूज निकाल के मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सबको पता चल गया। टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ मतलब इसमें से, क्योंकि टेन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, तो इस ट्रायंगल में से मैं टेन थीटा निकाल लेती हूँ तो अपने आप आ जाता है। टेन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर बाय, अब परपेंडिकुलर सिर्फ इतना है ना और बेस इतना है, अगर इतने की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा, चाहे आप y1 माइनस y2 ले लो, है ना, और इधर से x1 माइनस x2 लोगे तो दोनों से नेगेटिव लोगे तो अपने अब यही निकलेगा, कॉमन ले लोगे, आप चाहे y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 लिख दो, नेगेटिव कॉमन लेके आएगा तो यही ना, वो एक हाथ पे फॉर्मूला चढ़ा हुआ है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x2, बेसिकली हमेशा x2 बड़ा होता है तो वो ऊपर आता है, y1 छोटा होता है तो वो नीचे आता है, बट मैंने जानबूझ के लिख के बताया था आपको कि इट डजंट मैटर, हमने तो ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले को माइनस करना, बस सेकंड वैल्यू पता चल गई स्लोप की कैसे निकालते, क्लियर, पहला tan थीटा से, दूसरा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा एक मान लीजिए कोई पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, है ना, और वहां पर ना एक वॉल की ये टिल्टेड वॉल थी और उसकी ना इक्वेशन लिखी हुई है उन्होंने ऐसे, और मुझे पूछा गया कितने एंगल पे टिल्ट हुई है बताइए। एक हमारे वर्ल्ड में बिल्डिंग है उसे टिल्ट बिल्डिंग कहते हैं, आप नेट पे सर्च करना उसका नाम, तो है ना, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट नेम, है ना, छोटे बच्चे लर्न करते हैं जीके में, तो मेरे को इतना पता है कि एक है ना बिल्डिंग है, तो है ना उसकी इक्वेशन दी हुई है, और मुझे कहा स्लोप निकालो, यानी व्हेन एवर इक्वेशन इज गिवन एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो वो मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशियंट ऑफ वाई। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू जीरो, और मैंने कहा स्लोप बताइए, अब क्या करोगे, माइनस 2 बाय 3, बस, ओके जी, क्लियर। अच्छा अगर यहां माइनस ऑलरेडी होता प्लस 2 बाय 3, समझ आ गई बात, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे पास हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाउ टू गेट द कंडीशंस रिलेटेड विद पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है, दोज हु हैव कम लेट मैं बता रही हूँ, टेंथ चैप्टर कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन का, ओके फ्रॉम द बुक। अब बेटा कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी नंबर फर्स्ट पैरेलल, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होगी, बिल्कुल जी आप कह रहे हो ए वन अपॉन ए टू जो है इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, आपने जो भी कंडीशन पुरानी की है ना, अब हम आ जाए अपने नए में, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं, अब हम क्या कहेंगे, जब उनकी स्लोप सेम हो जाए, बात वही होगी ना, बात वही है, आपको पहले सीधा रटाया जाता था कि बेटा जी दो लाइंस अगर पैरेलल है वहां पर हम क्या करते थे, थर्ड कंडीशन भी साथ में लेके आते थे, ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू
B1 over B2 इज नॉट इक्वल टू C1 over C2। पैरेलल लाइंस में नो सोल्यूशन होता था कि नहीं, है ना? अब वो चीज हमने नहीं देखनी, हमने सिंपल स्लोप का कॉन्सेप्ट देखना है। दैट मींस कि मेरे पास कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। सपोज दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ये अल्फा ये बीटा, 100% अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा कि नहीं, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दिस इंप्लाइज टैन अल्फा भी किसके इक्वल होगा, टैन बीटा के। अगर इसकी स्लोप M1 है, इसकी स्लोप M2 है, या इसकी M1 ले लो, इसकी M2 ले लो, डजंट मैटर। तो 100% M1 स्लोप इज इक्वल टू M2, क्योंकि टैन ऑफ अल्फा क्या होता है, स्लोप। यानी अब हमने वो कंडीशन नहीं लगानी जो 10th में लगाते थे, अब सिंपली कहना है इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। बस ये माइंड में सेट कर, बात समझ आ गई सबको, ठीक है जी? अब बात करें परपेंडिकुलर की। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि कैसे, क्योंकि एक बार प्रूफ किया हो तो आपको दिमाग में सेट हो जाता, ठीक है जी? नाउ कम टू द नेक्स्ट बेटा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सेकंड परपेंडिकुलर, दैट मींस ये लाइन ये लाइन, मैंने ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री ले लिया, ओके जी? अब बेटा क्योंकि मैंने बात करनी है, मान लीजिए ये अल्फा है, ये बीटा है, दो लाइंस की स्लोप होंगी ना, एंगल का इंक्लिनेशन पता चल गया, ये 90 है तो ये भी क्या हो गया 90। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस बीटा, एम आई राइट? टेक टैन ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने तो स्लोप में कंडीशन निकालनी, हमने किसमें निकालनी है, स्लोप में। टैन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू टैन ऑफ 90 प्लस बीटा, क्या होता है टैन ऑफ 90 प्लस बीटा, ट्रिग्नोमेट्री की माइनस कॉट बीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, रिकॉल करूं एक बार, है ना, याद करवाते हैं। लीजिए 90 प्लस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, यहां सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेन क्या होता है नेगेटिव, इतना पता चल गया माइनस आना है। अब बात, मैंने आपको बोला हुआ अगर 90 हो या 270 हो, को लगा है हटा दो, नहीं लगा तो लगा दो, दिया था क्या, नहीं याद आ गई मेरी बात? तो यहां पर क्या बन जाएगा, माइनस कॉट बीटा, एम आई राइट? क्योंकि मेरे को तो स्लोप टैंस के साथ कोरिलेट है, तो कैन आई राइट कॉट बीटा एज 1/10 बीटा। यहां पर टैन अल्फा क्या होता है मेरे पास, M1 मैंने लिए था ना, पीछे में भी लिया था, इसकी स्लोप M1 मान लेते हैं, इसकी स्लोप M2 मान लेते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1/M2। तो यहां पर क्या आ गया, M1 M2 इक्वल टू -1। यानी अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज। मैं ये बता दूं, ये चैप्टर आपको कभी लाइफ में करना नहीं पड़ेगा, अगर आप साथ साथ रिकॉल करो हमने पीछे क्या किया था, मतलब स्टार्टिंग से, आप हर 10 मिनट बाद रिकॉल एक बार मेहनत कर लो, एक बार मेहनत कर लो, रिकॉल करो हर 10 मिनट बाद कि आपने इस चैप्टर में क्या किया था। मजा है, लाइफ लॉन्ग आपको ये चैप्टर करना पड़ता है, ठीक है जी? सबसे पहले आते ही हमने क्या सुना, कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्लोप का कॉन्सेप्ट किया। स्लोप कितने तरह से की, 3 तरह से। फर्स्ट की टेन थीटा, सेकेंड स्लोप लेट देम टर्न बाय टर्न, y2 - y1/x2 - x1। थर्ड स्लोप कौन सी की, कब होता है ये यूज, जब स्ट्रेट लाइन गिवन हो। मेरे को ऐसे कहा गया कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो जो कि पैरेलल है
अदर स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज 2x plus 7y plus 5 equal to 0. बेटा अगर 2x plus 7y plus 5, 2x plus 7y plus, चलो 5y plus 7, इसकी स्लोप क्या होगी? माइनस 2/5. ठीक है, क्लियर? तो दैट मींस एक लाइन की मुझे स्लोप पता चल गई, अभी तक तीन की है. फिर उसके बाद हमने क्या चीज की? पैरेलल की कंडीशन. क्या कंडीशन की पैरेलल की? कि टू लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है. हाँ जी आशुतोष, नेक्स्ट मुझे बताइए कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है? उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? माइनस वन. हो गया क्या नीलम? भूलेगा तो नहीं ना? किसी को कोई डाउट यहां तक? चले आगे, पक्का? चलो गुड. बिल्कुल हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है. जैसे जैसे ये लाइन इधर को टिल्ट करती जाएगी स्लोप नेगेटिव होती जाएगी. हाँ बिल्कुल जी, क्यों नहीं हो सके? जैसे आपका 90 से अबव हुआ एंगल, खुद ही सोचो ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया और टैन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो क्यों नहीं आएगा? ठीक है जी, स्लो लाइन जो है कहीं पे भी हमारा जो है लाइन शिफ्ट हो सकती है, बट वो थीटा रहता 0 और 180 के बीच में. किसमें बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे तो जाता नहीं है. थर्ड, आप खुद सोचो, आपके पास ये लाइन है, सपोज ये लाइन है, आप एंगल तो बेटा ये लोगे ना, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ वे, एंगल तो यही रहना. इसीलिए तो मैंने बार बार बोल रही हूँ थीटा लाइज बिटवीन 0 to 180, वो इससे ज्यादा नहीं क्रॉस हो सकता. आप लाइन यहाँ ऐसे थोड़ा ड्रॉ करोगे, देखो ऐसे इतनी लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन का एंगल देखना है, आप इसको एक्सटेंड करोगे, आएगा तो वो एंगल यहाँ या यहाँ, बस इन दोनों में से एंगल आता है. यही कंडीशन याद रखनी है. हम बहुत बार ये क्वेश्चन पुट करते हैं एमसीक्यूज में, बच्चे कह देते हैं जी 0 to 360 कोई भी एंगल हो सकता है. अल्टीमेटली वो चेंज होके हमारे पास रहना 0 to 180 के बीच में एक लाइन का है. नहीं, आप थीटा, आपने अगर आपने बिल्कुल कहा, ये लीजिए मैं आपको बताती हूँ, मैं जस्ट कह रही हूँ कि रिड्यूस कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब, आई विल टेल यू, जस्ट वेट. मान लीजिए ये एक लाइन है, आप कह रहे हो कि लाइन ऐसे होगी, आपने एंगल किया यही रहा ना बेटा एंगल, तो जैसे मर्जी केस ले लो, एंगल ये और ये, यहां नेगेटिव आएगा क्योंकि 190 को क्रॉस करके, बट रहना एंगल, आप जहां पर भी स्लोप देखोगे ना वहां लिखा होगा tan थीटा, दे ऑलवेज राइट, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 180. उसका रीजन ही है, लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में, मान लो लाइन यहाँ है सपोज, है ना, ऐसे ड्रॉ की, जब आप एक्सटेंड करोगे वो अपने आप थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, क्योंकि लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द वे. मैं कह रही हूं चाहे कोई रे भी हो, एंगल जब देखना, मान लो आपके पास लाइन सेगमेंट है, आपने ये देखना है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल कवर कर रही है, उतर आप ओरिजिन तो फिर यहीं ले आओगे ना, वो टिल्टनेस तो उतनी रहनी. ये मेरी बुक का स्लोप है, मैं यहां रख के इसको पाथ मान लू, मैं यहां रख लू, मैं यहां रख लू, और रहना एंगल वही है ना, मैं इसको नीचे ऊपर करूंगी ऐसे, इसको नीचे ऊपर करूंगी तो एंगल चेंज होगा, बट अगर एक बार मैंने फिक्स कर दिया बेस तो आप जहां मर्जी रख लो, चाहे आप इसको ये पहले बेंच पे रख दो, चाहे इसको उठा के मैं इधर इधर वाले बेंच पे रख दो, हाइट उतनी रहे, हाइट इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो एंगल विल चेंज. अब बात क्लियर हो? कोई डाउट तो नहीं किसी को? चले आगे बेटा, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी बेटा. अब बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, हमारे पास हो गए एग्जाम्पल फर्स्ट है, लेट अस डू एग्जाम्पल फर्स्ट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इट. हाँ जी, एग्जाम्पल वन ऑन पेज मेरे पास है बेटा 207,
फटाफट टर्न बाय टर्न स्टूडेंट बताएंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -2 एंड -1, -4. किसकी टर्न होगी थी इधर से? आशुतोष की होगी थी, आपकी हो गई. बोलिए हाउ टू कैलकुलेट द स्लोप अर्षदीप. हाँ जी बिल्कुल, 4 है जी. वेरी गुड. कौन सा फॉर्मूला लगेगा? y2 - y1 over x2 - x1. ओके जी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो हम कैसे लगाएंगे स्लोप? रिटन बाय m 4 - -2 - 1 - 3 मेरे पास हो गए, तो इट बिकम 6 over -4 - 3/2. आई कि नहीं आई स्लोप नेगेटिव? ठीक है ना, क्लियर, समझ आ गया बेटा? चले अब सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही है. नाउ आई एम डूइंग द फोर्थ पार्ट, दैट इज डी पार्ट. ओके मन्नत. हाँ जी. मेकिंग इंक्लिनेशन ऑफ 60 degree विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. आ गया कि नहीं आ गया? उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लिख दिया और एंगल भी देखो 90 से छोटा है. वैसे ही बताया, पता चल रहा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लग रहा है. तो मेरे पास जो है 100% यहाँ पर अगर मैं देखूं तो स्लोप क्या होगी? टैन थीटा. क्या बनेगा? थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60. टैन 60 की वैल्यू √3. ओके जी, बात क्लियर होगी सबको? एनी डाउट टू एनी वन? आशीष, असीस, क्लियर बेटा? हाँ जी. चले बेटा नेक्स्ट. अभी तक हमने बेटा किया, ओके बेटा, ओके. हाँ जी, अभी तक मैंने जो किया स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो किया और पार्लर की कंडीशन को किया. अब वो कहते जरूरी थोड़ा हर बार दो लाइंस पार्लर ही हो या परपेंडिकुलर हो, कहीं इंटरसेक्ट भी तो कर सकती. अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो जी कैलकुलेट करो उन दोनों के बीच में फॉर्मूला क्या है कि एंगल कैसे निकालेंगे दोनों के बीच. इफ दे इंटरसेक्ट तो हाउ वी विल एबल टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन दैट टू लाइंस. ठीक है, उसके लिए बेटा देखिए सपोज ये एक लाइन है, ये सेकेंड लाइन, ये M1 है, ये M2 है. ओके, इन दोनों, ये दोनों लाइंस दो जो है एंगल फॉर्म करती है इंटरसेक्शन में. कैसे? अगर ये एक्यूट एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 189. ये भी तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ही है दो लाइंस का. हम एक निकालेंगे, दूसरा कैसे निकाल लेंगे? 180 माइनस करके. ठीक है, क्योंकि दो एंगल्स आते हैं तो हम हमेशा एक्यूट एंगल ही कैलकुलेट करते हैं. ऑब्ट्यूज भी आता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो मेन फॉर्मूला टैन थीटा का मॉड ऑफ M1 - M2 ओवर जो है मेरे पास प्लस 1 - M1 - M2 मॉड ऑफ M1 + M2. मैं गलत लिख रही हूं, पहले माइनस होते हैं फिर प्लस होता है, कंफ्यूजन होगी क्योंकि टैन थीटा का फॉर्मूला भी ऐसे मिलता जुलता होता है. हाँ जी बिल्कुल, पहले ठीक ही लिखा था मैंने, M1 - M2 over 1 + M1 - M2. ठीक है, अब बेटा मॉड क्यों लगाया? मैंने रीजन बता दिया आपको कि अगर एक एंगल मेरे पास इधर एक्यूट हम निकाल लें, है ना, कोई इधर से भी तो उल्टी डायरेक्शन से भी तो कैलकुलेट कर सकता है, वो एंगल नेगेटिव होता है ना उतने, तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव एंगल निकाल लेते हैं और दूसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं 180 में से वो एंगल मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और M1 M2 क्या है? किसकी? दो लाइंस की, मतलब एक लाइन की स्लोप M1 और दूसरी लाइन की स्लोप M2. वो या तो लाइन दी होगी या दो पॉइंट्स ही होंगे या एंगल बताया होगा कि फर्स्ट लाइन इतना एंगल बना रही है. आराम से कैलकुलेट, और ये कैलकुलेट करने का मेथड भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है कि अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए मेरे पास ये एंगल जो है सपोज
ये अल्फा वन मान लीजिए, ये अल्फा टू मान लीजिए, मैं बुक वाला ही सारा ले रही हूँ, ये थीटा ही मान लीजिए, ठीक है। अब फिर वही ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो मेरे पास अल्फा वन इज इक्वल टू, मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा टू, ठीक है। मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, इसको उधर ले जाए, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस अल्फा टू, दोनों तरफ टैन ले लो अपने आप, जहां टैन आपके पास अल्फा वन आएगा वहां क्या पुट कर दोगे, एम वन पुट करोगे, जहां टैन अल्फा टू आएगा वहां क्या पुट करोगे, एम टू। मैं करके दिखा देती हूँ, टैन थीटा टू इज इक्वल टू टैन ऑफ अल्फा वन माइनस अल्फा टू। अब जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की, फॉर्मूले नहीं आते, उनको ये प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं होगा, है ना। टैन ए माइनस बी, टैन ए माइनस टैन बी ओवर वन प्लस टैन ए टैन बी। देखो मुझे पता ये स्लोप है पहली लाइन की, एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम वन एम टू। मैंने मॉड पहले ही बता दिया कि हम छोटा एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ दो एंगल्स कैलकुलेटर, समझ आई बेटा, क्लियर। वो एक्चुअली ना केसेस बनाता है, वो कैसे केस बनाता है कि अगर अल्फा वन ग्रेटर देन अल्फा टू है, सेकेंड केस बनाएगा अगर अल्फा टू ग्रेटर देन अल्फा वन है, वो दो केसेस दिखा के और बाद में कंबाइन कर लेता है मॉड। ओके जी, समझ आ गई बात बेटा, क्लियर। हमें ये प्रूफ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि टैन थीटा किसके इक्वल होता है, एम वन माइनस एम टू ओवर वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। ओके क्लियर, चलिए जी। अब बेटा इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं बेटा कि वन प्लस एम वन एम टू शुड नॉट बी इक्वल टू जी, ठीक है ना, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए किसी हालत में, ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, चले आगे चलिए। क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर जीरो हो गया, आंसर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। अगर नॉट डिफाइंड आ गया तो हमें तो पता ही वो परपेंडिकुलर होगी दोनों लाइंस, ठीक है ना, उसके लिए तो कंडीशन है। देखो यहीं से हमने निकाला हुआ है कि अगर ये जीरो आ गया, सपोज जीरो आ गया मतलब थीटा 90 होगा ना, यहीं से कंडीशन निकाली थी, यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, इसीलिए वो वाली यही प्रूफ किया था ना, परपेंडिकुलर की कंडीशन किया था क्या नहीं, इसीलिए हम इस फॉर्मूले में ये कंडीशन लगा देते हैं कि ये ना जीरो हो, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन तो हमने पहले भी इवैल्यूएट कर लिया कि एम वन एम टू किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस वन, ठीक है ना। चलिए अब एग्जाम्पल टू देखिए कैसे है। अच्छा आपको ये पता है, कभी भी अगर हमने एक एम वन दे दिया, एक थीटा दे दिया और एम टू निकालना है और मॉड दिया है, जब भी हम एक साइड से मॉड हिलाते हैं ना बेटा, तो मतलब उसमें अननोन क्वांटिटी है, तो उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, हमेशा प्लस माइनस वैल्यू जरूर लगाना, ठीक है, दैट आई विल एक्सप्लेन टू मॉड। ओके व्हाई दिस हैपेंस, ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन।